Hi guys, I am Simran Rath and I welcome you all to my channel. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वी गर्ल्स हैव गॉट द प्रिविलेज टू लिव सिंगली इन दिस बी ब्लॉक व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू टुडे. पहले हम ए ब्लॉक में रहते थे जहाँ पे फोर गर्ल्स पर रूम. सो एक रूम में चार लड़कियाँ रहती हैं. विदाउट एनी फर्दर यूज लेट्स गो इनसाइड. आज मैं आपको पूरा बी ब्लॉक दिखाने वाली हूँ जहाँ पे सारी सीनियर्स रहती हैं, जहाँ पे हम रहते हैं अब. नाउ वी आर ऑल्सो सीनियर्स एंड दिस इज द ओल्ड बी ब्लॉक जहाँ पे जूनियर्स रहते हैं. सो लेट्स गो इनसाइड. दिस इज द एंट्री. सो गाइस, दिस इज द फ्रंट लाइन ऑफ द हॉस्टल. यू कैन सी all those, you know, scooties and all those activas of the seniors, and even few people among our batch also have bought. So these are the vehicles and this is the parking basically. Okay, so aap apni agar activa lana chahti hain koi bhi ladkiyan, so yahan pe aap park karengi and is gate se enter. And this is also the area that is a very beautiful bench there, 3-4 benches you can sit on. And this is the, you know, front line campus, and that you can see the building. तो ऐसे ही हमारे लाइक सिंगल रूम्स के सारे यू नो सेल्स हैं. अब तो हम सेल ही बोलेंगे, इट्स नॉट अ बिग नेम. सो गाइस, अबाउट द फर्नीचर्स, जब आपका एडमिशन होगा तो आपको ए ब्लॉक में ही, यू नो, दे विल प्रोवाइड यू विद द फर्नीचर्स. यू जस्ट नीड टू बाय इट. एंड अगर आप खुद का भी लेना चाहते हो अमृतसर से लोकली, सो यू कैन गेट इट. बाकी हम अब बी ब्लॉक में एंटर करने वाले हैं. यू हैव सीन द फ्रंट लाइन और अब हम दैट इज़ द मेन गेट टू एंटर. ओके, दैट इज़ अ स्मॉल गेट एंड उससे हम एंटर होंगे. वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं एंड सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस. तो हम वहाँ से एंटर करेंगे एंड गाइस, दिस इज द एंट्री. सो गाइस, जब हम आपको दिखाने वाले हैं बी ब्लॉक अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, यू नो, फॉर एग्जाम्पल दिस बिग एलमीरा, ठीक है, हमारे एलमीरा छोटे हैं तो वी हैव केप्ट इट इन द रूम ओनली. बट फ्यू गर्ल्स जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी एलमीरा है तो वो ऐसे बाहर रखते हैं. सो सी गाइस, दिस इज द रूम, लाइक दिस इज द रूम एंड उसके सामने लाइक एलमीरा इज देयर. सो गाइस, अब आप एंटर कर चुके हैं बी ब्लॉक में एंड दिस इज द कॉरिडोर ऑफ द बी ब्लॉक. रूम्स हैं ऐसे ही सारे रूम, सारे फ्लोर पर रूम्स अटैच हैं, ठीक है. तो ये सारे रूम्स हैं एंड हर, यू नो, स्क्वायर के, यू नो, जैसे एक फ्लोर है ये इसका स्क्वायर है एंड उसके हर कॉर्नर पे वॉशरूम है, ठीक है. तो हर फ्लोर पे ऐसा ही है एंड वॉशरूम्स ऑल वेस्टर्न्स. एंड अब तो सफाई स्टार्ट हो गई है, सिर्फ बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं पहले. गाइस, अभी हम जा रहे हैं मेस में. सो गाइस, दिस इज द मेस. आज गाइस, this is our beautiful mess. So guys, you can see we have nice sofas here, you know, ACs are also there. 3-4 ACs we have in this mess and chairs are there, tables are there. It's very beautiful and far more upgraded than what we had in A block. अच्छी बात है कि हमारे पास मंदिर भी है. सो आराम से गाइस, बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे मंदिर भी है गाइस, यू कैन सी सारे भगवान हैं वहाँ पे. एंड गर्ल्स शाम में स्पेशली, यू नो, लाइट ऑन करने जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे देख के. सो बाकी गाइस, टीवी भी है, टीवी सो वी जस्ट प्ले सॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड द ओवरऑल एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी नाइस. सो वी वर एनवियस ऑफ द, यू नो, सीनियर्स की उन्हें प्रिविलेज मिल रही है बट मिली मिली है. सो वी आर हैप्पी. अब सारे सब हम चलते हैं हमारे मेन रूम टूर पे, ठीक है. और तो मैंने ज़्यादा कुछ सजाया नहीं है बट स्टिल लेट्स गो. सो गाइस, चलो स्टेयर्स पे चलते हैं पहले. अच्छा, आई वांट टू टेल यू दैट आई लिव एट 3rd फ्लोर. सो पहले हमें लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी ऊपर नीचे करने में, थोड़ी सी तो होती है बट आफ्टर वन डे ओनली वी गॉट सो हैबिचुअल एंड आई फील भी नहीं होता कि हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं. तो लेट्स गो.
are here in front of my room and you can see this is the third floor. बाकी हम चलते रुके. So welcome guys. So guys, this is the room. Have a look. So guys, as you can see, थोड़ा छोटा रूम है बट जो है वो है. सो ऐसे रूम में उन्होंने जनरली रखे हैं काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स कर रही हैं बट तीन ही अरेंजमेंट हो सकती है जिसमें से एक मैंने की हुई है. आप या तो बेड साइड लगा लो या फिर आप अलमीरा बेड सो दैट आपके पास ये बीच की स्पेस रह जाए. सो मेरे को चाहिए था कि बीच में स्पेस हो जिसमें मैं आई कैन डू ऑल द कुकिंग और ईटिंग स्टफ्स एंड आई लाइक टू यूटिलाइज द फ्लोर मच. सो आई नीडेड अ फ्री स्पेस हियर एंड इससे क्या हुआ है कि दिस स्पेस ये खाली मिल गई है जिसकी वजह से ये गेट भी खुल सकता है. सो काफ़ी लोग ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि ये गेट नहीं खुल रहा या फिर वो बैल्कनी नहीं खुल रही है. सो इस अरेंजमेंट में यू कैन यू नो केटर ऑल दोज प्रॉब्लम्स. एंड दूसरी अरेंजमेंट है कि आप बेड अगर ऐसे रख लो बीच में रखो एंड उसके बाद ये अलमीरा उस कॉर्नर पर रखो. सो दैट इज ऑल्सो वन सच अरेंजमेंट. एंड अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है नेचुरली. सो ये एक कबर्ड है ठीक है. आई गेस बॉयज हॉस्टल में भी ऐसा गिवन है एंड दिस इज द गेट दिस इज द कबर्ड. आप देख सकते हो गाइस थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रैक्स है गाइस. सो ऐसे करके रैक्स हैं एंड यू नो यू कैन कीप एनीथिंग. ज़्यादा तो मैंने थोड़ा प्रिपेयर नहीं किया है. बाकी ये आपको गाइस रूम दिख रहा है. आप इस वॉल को सजा सकते हो गाइस एंड आप यू नो लड़कियाँ जनरली इधर सजाती हैं टेबल के ऊपर. सो देयर यू कैन लाइक हैव सम स्टिकर्स. इट कम्स ऑनलाइन सो यू कैन बाय. एंड गर्ल्स आर डेकोरेटेड देयर रूम वेरी नाइसली. हम तो अभी भी शिफ्ट हुए सो वी डिडंट गॉट मच टाइम. एंड गाइस दिस इज द बालकनी. दिस इज द बालकनी बट इट्स इनफ फॉर अ सिंगल पर्सन टू स्टैंड. आई कैन स्टैंड हियर एंड दैट इज द व्यू हियर. यू कैन सी ये बालकनी दो की शेयरिंग है. एक बंदी आ रहेगी वो यहाँ से देखेगी और मैं वहाँ से देखूँगी. सो इट्स इन द शेयरिंग. आप यहाँ पे अपना छोटा सा कपड़े का स्टैंड ला सकते हो उसको लगा सकते हो. एंड देन सो दिस वॉज द होल रूम एंड ये अलमीरा आप सब बाय करते हैं. इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं. सो गाइस एसी इंस्टॉलमेंट तो आप एसी यहाँ पे या तो आके आप सिंगल एसी लगवा सकते हैं. सबने एसी खरीदना ही पड़ता है क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है मानसून इसमें आप कूलर तो ऑफकोर्स यूज नहीं कर सकते. सो इट्स ऑन यू वट एवर यू वॉन्ट टू टेक. एंड एसी जो है बहुत ज़्यादा कूल कर रहा है ठीक है. जनरली 0.75 टन का लग रहा है या 1 टन का यहाँ पे लगा रहे हैं लोग एंड काफ़ी ज़्यादा कूलिंग हो रही है. सो दिस इज आवर रूम एंड वी आर लिविंग वेरी हैप्पीली हियर एंड सारी लड़कियाँ काफ़ी खुश हैं. बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज कि आप सबको यू नो पता चले कि कैसा है वी ब्लॉग. आई होप कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखा पाई हूँ. सो दिस वॉज द मेन एरियाज ऑफ वी ब्लॉग राइट. एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप सबको यू नो बेसिक नॉलेज हो अबाउट दिस एंड ऑल दोज यू नो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कम हियर. सो आई जस्ट लाइक आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई थैंक यू ऑल हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. And I hope ki video aapke liye helpful ho. Okay then, bye bye.